वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 27 का बी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे। एक से लेकर के पाँच तक हम ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे आपका। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, क्या है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ है टेन थ्री एक्स और अपॉन कितना है इधर से साइन फोर एक्स। फॉर्मूला कल हम क्या पढ़े थे ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना होता है वन, और लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना होता है वन। नहीं, क्या चाहिए, जो साइन का एंगल होगा वही सेम एंगल से डिवाइड लगना चाहिए, तो पूरा का वैल्यू कितना होता है वन। अगर टेन है तो जो एंगल एक्स जो एंगल है वही एंगल से डिवाइड लगना चाहिए, तो वैल्यू कितना होगा वन। अब आ जाओ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू कितना है ज़ीरो, ऊपर में टेन थ्री एक्स है, तो फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या चाहिए, नीचे में थ्री एक्स चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ है नीचे में आइए साइन फोर एक्स है, इसके भी नीचे में क्या चाहिए फोर एक्स चाहिए, तो फोर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक्स और एक्स कट गया, ये वाला फार्मूला से कितना हो जाएगा वन वन इंटू इधर कितना थ्री, नीचे में ये फार्मूला से कितना हो जाएगा वन इंटू कितना फोर, ये कितना हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो सेवन नंबर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एम एक्स अपॉन टेन एन एक्स है, कितना है यहाँ एम एक्स और नीचे में कितना है एन एक्स है, तो साइन एम एक्स है, इसके नीचे में क्या चाहिए एम एक्स चाहिए, एम एक्स नहीं है तो हम एम एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ है आपके पास साइन एम एक्स अपॉन कितना एम एक्स साइन टू कितना इधर एम एक्स, नीचे में आइए टेन एन एक्स, तो टेन एन एक्स तो सही है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एन एक्स से, ये कट गया, ये फॉर्मूला से कितना हो जाएगा वन आई इंटू इधर कितना हो जाएगा एम, ये पूरा फॉर्मूला से कितना हो जाएगा वन आई इंटू इधर कितना हो जाएगा एम, तो एम अपॉन कितना है इधर एन, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब आते हैं एट नंबर। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस इधर से कितना है साइन फाइव एक्स और अपॉन एक्स है, डायरेक्ट वाले पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो, मतलब ऊपर में सब जीरो हो जाएगा नीचे में भी क्या जाएगा जीरो जीरो, जीरो अपॉन जीरो हम डायरेक्ट वाले पुट नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है एंगल अपॉन अपॉन है कितना एंगल, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स और अपॉन में एक्स लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं टू साइन थ्री एक्स और अपॉन कितना इधर एक्स प्लस साइन फाइव एक्स और अपॉन कितना एक्स। देखो अब यहाँ इसको क्या किया दिस वन अपॉन दिस वन माइनस दिस वन अपॉन दिस वन प्लस दिस वन अपॉन दिस वन, मतलब सेपरेट कर दिए। अब देखो यहाँ एंगल इसका एक्स है, इसके एंगल में क्या है एक्स है, तो ये तो फॉर्मूला पर पुट होके वन हो जाएगा। यहाँ थ्री एक्स है तो इसमें फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तीन यहाँ चाहिए, तीन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ फाइव एक्स है तो क्या करेंगे नीचे में एक्स तो है लेकिन फाइव का कमी है, तो पाँच से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाओ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो अपनी जगह सही है, टू को हटाओ यहाँ से साइन थ्री एक्स रहने दो, यहाँ एक्स थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस साइन फाइव एक्स क्या चाहिए नीचे में एक्स है, चाहिए क्या फाइव एक्स, तो फाइव नहीं है तो फाइव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब ये वाला फार्मूला से कितना हो जाएगा वन, ये कितना टू, ये पूरा फार्मूला से कितना हो जाएगा वन आई इन टू इधर कितना थ्री प्लस ये फार्मूला से कितना हो जाएगा वन आई इन टू कितना इधर फाइव, तो ये फाइनली वन माइनस टू एक मिनट हाँ ठीक है टू इंटू वन इंटू यहाँ सिक्स अब प्लस कितना इधर फाइव, तो पाँच है कितना होगा छः माइनस छः, ये कितना हो जाएगा ज़ीरो, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक,
नाइन नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बटा सिक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो रफ में पुट करके देखो, इधर रफ बनाओ, एक्स के जगह पाई बट्टा सिक्स कितना 30 डिग्री, पाई बट्टा सिक्स कितना होता है 30 डिग्री। अब यहाँ पुट करोगे तो टू तो सही है, साइन स्क्वायर कितना पाई बट्टा सिक्स और प्लस कितना साइन पाई बट्टा सिक्स और माइनस वन। यहाँ करेंगे तो टू साइन स्क्वायर एक्स है तो टू साइन स्क्वायर पाई बट्टा सिक्स और माइनस थ्री साइन पाई अपॉन सिक्स और प्लस वन। ठीक है, क्या किए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने पाई अपॉन सिक्स पुट कर रखा है। अब साइन थर्टी डिग्री कितना होता है, साइन पाई बट्टा सिक्स कितना होता है वन बाई टू, कितना होता है वन बाई टू। तो यहाँ देखो, यहाँ वन बाई टू होगा तो टू इंटू वन बाई टू है तो यहाँ स्क्वायर है तो वन बट्टा फोर प्लस ये वन बाई टू और यहाँ माइनस वन, नीचे में टू इंटू यहाँ भी वन बट्टा फोर हो जाएगा, थ्री इंटू यहाँ कितना वन बाई टू और प्लस वन, ये और ये कट गया, यहाँ ये और ये कट गया। तो ऊपर में फाइनली यहाँ कितना वन बाई टू प्लस वन बाई टू और माइनस वन, और यहाँ कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। ऊपर में टू एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस वन और माइनस टू, नीचे में टू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, तो वन माइनस थ्री प्लस टू, ये कट गया, ये से ये कट गया तो ऊपर तो ज़ीरो, दो एक तीन नीचे में भी ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब ज़ीरो अपॉन ज़ीरो आ जाएगा तो ये होता है कौन सा मीनिंगलेस, तब इसको क्या करेंगे। देखो लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन सिक्स, अब क्या करो इसको फैक्टर तोड़ो, तो टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ वन तो दो हो जाएगा, टू में से एक गया तो कितना यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, तो हम इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं ना, टू साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और माइनस वन, यहाँ पर कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स लाना है, बस इसी को टू साइन एक्स और माइनस कितना साइन एक्स और प्लस वन लिख सकते हैं ऐसे एकदम। चलो यहाँ से टू साइन एक्स यहाँ भी है, टू साइन एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए और साइन एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस वन बचेगा, यहाँ से माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस वन, नीचे में यहाँ कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ टू साइन एक्स है तो टू साइन एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा साइन एक्स, और यहाँ कितना बचेगा माइनस वन, इस दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई अपॉन सिक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन साइन एक्स प्लस वन, यहाँ भी है साइन एक्स प्लस वन, यहाँ भी है कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बचेगा टू साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स माइनस वन, दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा टू साइन एक्स और माइनस वन, ये और ये कैंसिल आउट। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई अपॉन सिक्स पुट कीजिए, तो यहाँ पाई यहाँ कितना हो जाएगा साइन पाई अपॉन सिक्स प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई अपॉन सिक्स माइनस वन। साइन पाई अपॉन सिक्स कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है वन बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन और वन बाई टू माइनस वन। ऊपर में कितना टू एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टू और नीचे में टू एलसीएम लेंगे तो वन माइनस टू, कट गया। ऊपर में कितना हो जाएगा थ्री और यहाँ कितना होगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। टेन नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करो टू इंटू जीरो तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो तो ये जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो ऊपर जीरो तो नीचे में भी टू इंटू जीरो तो जीरो, यहाँ साइन थ्री इंटू जीरो तो साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो तो जीरो अपॉन जीरो आ जाता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ साइन टू एक्स है तो फॉर्मूला पे लाने के लिए नीचे में क्या चाहिए, जो एंगल है ऊपर में वही एंगल चाहिए, यानी टू एक्स चाहिए, तो नहीं है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ये थ्री एक्स जैसे है वैसे ही रहने दो, नीचे में टू एक्स जैसे है वैसे ही रहने दो, यहाँ है आपके पास साइन थ्री एक्स तो थ्री एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो क्योंकि एंगल थ्री एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स, साइन टू कितना टू, आई इधर क्या बचेगा थ्री, यहाँ पर एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा टू, अब प्लस इधर कितना साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स, साइन टू कितना थ्री, ये और ये कैंसिल आउट, अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से कितना हो जाएगा वन इंटू टू और प्लस थ्री, ये कितना हो जाएगा टू, ये भी फार्मूला से कितना हो जाएगा वन इंटू कितना थ्री, टू इंटू वन कितना हो गया टू प्लस थ्री, यहाँ टू प्लस थ्री तो फाइव अपॉन कितना फाइव कट गया, इधर कितना बचा वन, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एकदम डॉट एक एक डॉट हम क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। तो आपको डेली अपडेटेड वीडियो को देखना है, उसके बाद पहले जो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर अगला दिन वीडियो अपलोड होता है तो आप वहाँ से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।